गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पोर्ट्स के बारे में और कुछ इंडियन रेलवेज के बारे में। ओके, तो इंडियन पोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, आई थिंक 3 टॉपिक्स पढ़ लिया था। आगे के उसका एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इंडियन रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो फोर्ट था वो था जैसलमेर फोर्ट, जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है। दिस इज़ जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर का किला। ठीक है, दिस फोर्ट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का सबसे दूसरा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये दूसरा सबसे पुराना राजस्थान का किला है एंड इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ जैसलमेर। ये जैसलमेर में है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फ्यू लिविंग फोर्ट्स इन द वर्ल्ड, एज इफ लॉट ऑफ पीपल स्टिल लिव इन द फोर्ट। हम मतलब ये हम इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये किला जो है एक दुनिया की तरह ही है, इस किले में बहुत सारे लोग रहते हैं। एज द येलो सैंड स्टोन वॉल्स ऑफ द फोर्ट चेंजेस शेड्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोनार किला। जैसा कि जो इसका पत्थर है वो येलो कलर का है, तो इसे और भी हम कहते हैं सोनार किला भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ द फेमस फोर्ट वॉज द कैपिटल ऑफ मेवाड़ एंड इज़ लोकेटेड इन चित्तौड़, राजस्थान। ये भी जो किला है ये मेवाड़ की राजधानी का है, जो चित्तौड़ है राजस्थान। इट वॉज़ कंट्रोल्ड बाई सेवरल रूलर्स अक्रॉस हिस्ट्री। ये मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत इतिहास के जो बहुत सारे सम्राट होते थे उनके द्वारा इसमें शासन चलाया जाता था। इट इज़ डिज़ाइन रफली लाइक ए फिश एंड इज़ फेमस फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक मीरा मंदिर, पद्मिनी पैलेस, कीर्ति स्तंभ एंड विजय स्तंभ। और ऐसा कहा गया कि जो इसमें जो इस ये जो आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि ये जो किला दिख रहा है ये एक मछली के आकार का है। ठीक है, ये एक मछली के आकार का है एंड इज़ फेमस फॉर सेवरल इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मीरा मंदिर, पद्मिनी पैलेस, कीर्ति स्तंभ एंड विजय स्तंभ, ये सब भी यहाँ के प्रसिद्ध किले हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ये किला है आप लोगों का, आई थिंक चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। ठीक है, तो दिस फेमस फोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ मालवा। ये भी वही है राजस्थान में, राजस्थान के मालवा ज़िले में, महाराष्ट्र। एंड वॉज बिल्ट बाई छत्रपति शिवाजी महाराज टू काउंटर द कॉलोनाइजेशन फॉर बाई फॉरेनर्स ऑन द मराठा लैंड। और इसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था, किस लिए बनवाया था, जो मराठी देशों में जो फॉरेनर्स लोग आते थे, जो विदेशी लोग आते थे, उनके रहने के लिए बनवाया था। द हाई वॉल्स ऑफ द फोर्ट वेयर डिज़ाइन टू सेव द फोर्ट फ्रॉम द हाई टाइड्स ऑफ द अरेबियन सी एंड इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द एनिमीज। और इसकी जो ऊंची-ऊंची दीवारें हैं इनको डिज़ाइन किया गया था क्योंकि बड़ी बड़ी लहरों से बचाने के लिए, जो उनके अगल बगल जो नदी वगैरह थे उनसे बचाने के लिए। ये जो फिफ्थ वाला था ये थे आई थिंक आपका सिंधु दुर्ग फोर्ट था, सॉरी मैंने गलत बता दिया था, जो फिफ्थ वाला था ये सिंधु दुर्ग फोर्ट था। ठीक है, और जो ये था ये है आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ था कि द हाई वॉल्स ऑफ द फोर्ट वर डिज़ाइन टू सेव द फोर्ट फ्रॉम द हाई टाइड्स, मतलब इसकी जो ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं ये इसलिए बनाई गई हैं कि जो ऊंची लहरें वगैरह आती हैं, ऊंची लहरें अरेबियन सी की हुई या जो दुश्मनों वगैरह जो अटैक करते हैं उनसे बचने के लिए इसमें बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं। ठीक है, अगला जो है वो आपका इंडियन रेलवेज, इनके बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहला आपका है आई थिंक दिस वन, ये है महाराजा एक्सप्रेस। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो भारतीय रेलवे का इतिहास एक काफ़ी शानदार है और हम सब लोग, मतलब हम भारत के लोग और भारत भी इस पर गर्व करता है। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज जो है, इंडिया इज़ नोन टू हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवेज नेटवर्क्स विथ मोर देन 7,000 रेलवे स्टेशन। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 187 वंस। ठीक है, 118 जोन्स, ठीक है, मतलब ये जो भारत है इसमें पूरे में 7,000 रेलवे स्टेशन है जो 18 जिलों में बटा हुआ है, 18 जिलों में है। ठीक, सबसे पहला है महाराजा एक्सप्रेस, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो है ये भारतीय रेलवे की कई खासियतें हैं। ठीक है, ये एक हम कह सकते हैं कि ये राजा महाराजा, इसमें राजा महाराजा अगर हम बैठते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग होती है कि राजा महाराजा के साथ बैठे हुए हैं।
ठीक। तो भारतीय रेलवे की कई खासियतें हैं। इंडियन रेलवे जहां दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से ये एक है। अगर आप इंडियन रेलवे के जरिए पूरा वर्ल्ड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि महाराजा एक्सप्रेस शानदार हो सकता है। महाराजा एक्सप्रेस दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन एक चलता फिरता 5-स्टार होटल है। इस ट्रेन का किराया 1,50,000 से स्टार्ट होकर लगभग 15 लाख रुपए तक है। यह ट्रेन दिल्ली या मुंबई से स्टार्ट होकर आगरा, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, बीकानेर, खजुराहो, उदयपुर स्टेशनों पर रुकती है। इस ट्रेन में 23 डिब्बे हैं और इसमें 88 पैसेंजर्स एक बार में इसमें यात्रा कर सकते हैं और इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार में केवल 88 पर्सन इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और इसके हर केबिन में अलग अलग हर पैसेंजर के लिए हर अलग अलग केबिन बना हुआ है। और हर केबिन का मतलब कह सकते हैं कि ऑफिस बने हुए हैं। हर पैसेंजर्स के अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं जिसके हर ऑफिस में एक फ़ोन, LCD TV, DVD प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर के साथ हर ऑफिस में अलग अलग वॉशरूम भी बने हुए हैं। ठीक। और इस ट्रेन में आगरा से उदयपुर घूमने वाले जो पैसेंजर्स होते हैं वो पूरे 7 डेज तक इस ट्रेन में रहते हैं। खास बात यह है यहाँ पे जो खाना मिलता है वो सोने चांदी के बर्तनों में सर्व किया जाता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हमें नाम से पता चल रहा है कि अगर जहाँ पे सोने चांदी के प्लेट्स वगैरह में खाना को परोसा जा रहा है तो वो एक राजा महाराजा ही टाइप का हुआ। इस ट्रेन को 2015 एंड 2016 में 7-स्टार लग्जरी अवार्ड भी मिल चुका है। तो जिसका नाम है महाराजा एक्सप्रेस। ठीक। सेकंड, ये एक लाइफ लाइन एक्सप्रेस, हम इस कह सकते हैं कि एज ए हॉस्पिटल। ठीक है, ये एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। इंडियन रेलवेज़ की लाइफ लाइन एक्सप्रेस, इस ट्रेन को चलाने का एक पर्पज़ ये था कि अलग अलग दूर दराज के जो गांव वगैरह हैं वहां पे जाकर के मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना होता है। ठीक। ये हम इस ट्रेन को हॉस्पिटल भी नाम दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है 1991 में शुरू किया गया था। इस एक्सप्रेस को मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस ट्रेन को इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन इंडियन रेलवे के साथ मिलकर चलाती है। इस ट्रेन पर ऑपरेशन थिएटर भी हैं और सर्जन ने इस OT में पोलियो और बहुत सारे ऑपरेशन भी किए हुए हैं। इस लाइफ लाइन एक्सप्रेस के साथ ही छोटे शहरों के सर्जन को भी इसमें सिखाया भी जाता है। तो एक हॉस्पिटल की तरह है कि जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, सर्जन रहते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सिखाया भी जाता है। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। इम्पैक्ट इंडिया के अनुसार अगर हम कहें तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस के मॉडल से दूसरे कंट्री भी इसे सीख रहे हैं। चीन हुआ और सेंट्रल अफ्रीका भी इसी की तरह प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस लाइफ लाइन एक्सप्रेस में मरीजों के फ्री इलाज की व्यवस्था भी है। ठीक है। फिर आपका है थर्ड, आई थिंक है दैट वॉज द थर्ड था, ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस था। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा आई थिंक दिस वन, ये है अभी आपने नाम जल्द ही सुना होगा, लखनऊ से दिल्ली तक का तेजस एक्सप्रेस। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन लॉन्च्ड बाय IRCTC ऑन द न्यू दिल्ली लखनऊ रूट फ्रॉम अक्टूबर 2019। ये भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन है जो IRCTC के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जाती है। ये अक्टूबर 2019 में ही शुरुआत किया गया था। दिस ट्रेन इज़ करेंटली द फास्टेस्ट ट्रेन रनिंग ऑन दिस रूट और ये अभी तक का इस रूट पे, मतलब लखनऊ से दिल्ली तक का, लखनऊ से दिल्ली के तक के जो रूट है उस रूट पे सबसे फास्ट चलने वाली ये ट्रेन है। इट इज़ ए लग्जरी ट्रेन एंड अलॉन्ग विथ मेनी अदर बेनिफिट्स, ये भी हम एक लग्जरी ट्रेन की तरह कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बायोडिग्रेडेबल वाटर बॉटल्स टू द पैसेंजर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और इसमें बायोडिग्रेडेबल वाटर भी पैसेंजर्स को प्रोवाइड किया जाता है और ये सबसे पहली बार हुआ है। ठीक। और लाइफ लाइन एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आपका गोल्डन चैरिट है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द गोल्डन चैरिट, ये भी एक हम कह सकते हैं कि राजा महाराजा की तरह ही है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इस ट्रेन को भी हम कह सकते थे लग्जरी ट्रेन कह सकते हैं। ठीक है, इस ट्रेन की शुरुआत कर्नाटक के एक स्टेट है, कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने की थी। ठीक है, ये भी एक राजशाही ट्रेनों में से एक है। ये कंपनी जो है, ये जो ट्रेन है, ये इसमें जो इसका जो कलर वगैरह है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो बनावटी है इससे ही लोग बहुत अट्रैक्शन हो जाते हैं।
ये ट्रेन 21 इसमें डिब्बे हैं, 19 कोच है और 2 रेस्टोरेंट कोच इसमें हैं। इस ट्रेन की शुरुआत 2008 में हुई और इस ट्रेन का नाम द गोल्डन चैरट रखा गया, जिसका मतलब होता है स्वर्ण रथ। इस ट्रेन में 111 सैलून है जिसमें 44 एसी लगे हुए हैं। इसमें 26 ट्विन बेड कैबिन है, 17 डबल बेड कैबिन है और हम कह सकते हैं कि पटरी पर जब चलते फिरते इस ट्रेन को पैसेंजर्स के लिए जिम, इसमें कॉन्फ्रेंस रूम भी है, रेस्टोरेंट रूम भी है, बहुत सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। 2013 में इस ट्रेन को एशिया का अग्रणी लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिल चुका है। ये ट्रेन 7 नाइट और 8 डे का टूर पैकेज भी देती है। इसका जो कलर है येल्लो एंड पर्पल, इसके बनावटी से ही ये बहुत ही अट्रैक्शन ट्रेन होती है, ठीक है। और इसका नाम ही रखा गया है गोल्डन चैरट, जिसका नाम है स्वर्ण रथ, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है द गोल्डन चैरट, ठीक है। फोर्थ आपका, आई थिंक ये फोर्थ है। फिफ्थ आपका है द फेरी क्वीन, दिस इज द फेरी क्वीन, इसको पढ़ लेते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी इंजन स्टीम से चलने वाली ट्रेन है। ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट स्टीम से चलने वाली ट्रेन है। विश्व के सबसे पुराने स्टीम इंजन फेरी क्वीन एक बार फिर से चल पड़ी हुई है। ये 162 ईयर पुराना फेरी क्वीन है। ये देश की शान हम कह सकते हैं। 1998 में जब इसे दुनिया के सबसे पुराने एक्टिव स्टीम इंजन के तौर पर इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको नाम भी दिया गया है। ये 1885 से यह पटरी पर दौड़ रही है। 88 ईयर जब हो गया था तो इसको फिर से, मतलब कि इसको फिर से रोक दिया गया था, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रोक दिया गया था। 1977 में इसको दिल्ली से अलवर के लिए फिर इसको चलाया जाने लगा और इस ट्रेन का मेन पर्पस ये था कि सारिस्का नेशनल जंगल सफारी है, सारिस्का नेशनल पार्क है जहाँ ये ट्रेन लेके जाती है। और इस ट्रेन को कई बार इस कई सारे अवार्ड में सम्मानित भी किया गया है। और हम कह सकते हैं कि इसका जो टिकट है 11,000 रुपीज़ में, ये 2 दिनों का, ये ट्रेन केवल 2 दिन चलती है और 11,000 रुपीज़ इसका टिकट है। और हम कह सकते हैं कि इसके लिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी पड़ती है। इसमें 60 पैसेंजर्स एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं और इसमें जो इसकी जो पेनेट्री है वो भी बहुत शानदार है, ठीक है। द लास्ट है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस ट्रेन की हम कह सकते हैं कि पहली सेवा न्यू दिल्ली से वाराणसी के बाद चलाया गया था। न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने जिन्हें किया था। इस ट्रेन की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी के लिए नॉर्थन रेलवे जो दिल्ली डिवीजन है उनके पास है। इस ट्रेन में 16 एसी कोच हैं जिसमें हाई स्पीड ऑन बोर्ड वाईफाई जीपीएस आधारित, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रणाली भी है, टच फ्री बायो वैक्यूम भी है, बहुत सारे वॉशरूम वगैरह भी, इसमें एलईडी लाइटिंग लगी हुई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक हम कह सकते हैं जलवायु नियंत्रण प्रणाली है जो अपने आप से हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करती रहती है। और इसमें जो लिखा हुआ है कि इसमें 1128 पैसेंजर्स एंड फॉर डिज़ाइन एंड बिल्ड बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ठीक है। तो ये तो इंडियन रेलवेज़ के बारे में। और इस मैं इसके आगे आपको एक सेंड करती हूँ, आपको इसको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।